असलम डे स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला कॉम्पोनेट ऑफ चिल्ड्रेन लिटरेचर जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या होता है और कहानी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम सबसे पहले रीड आउट करते हैं किस किस्म के होते हैं आगे जहाँ हम उसको देखेंगे तो हमें बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा जब हम किसी भी करेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने लगते हैं कि वो क्या सोच रहा है क्या कहना चाहता है तो हम उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि पॉइंट ऑफ व्यू को बताने का क्या तरीके हैं पहला है कि हम फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो खुद ही हीरो होता है और बताता है कि जी मेरे साथ क्या हो रहा है कहानी में और मैं कैसे कैसे किन एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा हूँ सेकंड पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं आ, हम किसी और से पूछते हैं कि आप कौन हो आपका नाम क्या है आप यहाँ तक कैसे पहुँचे थर्ड पर्सन एक कॉमन तरीक़ेकार है जिसके अंदर नरेटर ये बताता है कि किसी और शख्स की कहानी को बयान कर रहा है और वो किस किस्म के इवेंट से गुजर रहा है उसके अलावा इसके अंदर थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट करेक्टर्स आते हैं जिसका मतलब ये होता है कि जो राइटर है वो कुछ ऐसी चीज़ें जानता है uh, तमाम करेक्टर्स के बारे में जो या तमाम इवेंट्स के बारे में जो कि वो करेक्टर्स खुद नहीं जानते सो हम वन बाई वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं सो so, स्टोरी के अंदर फ़र्स्ट पर्सन जब इस्तेमाल होता है तो हमारे पास किस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती हैं डेफिनेटली uh, हमें उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है और वही हीरो होता है और वही अपनी कहानी बयान कर रहा होता है uh, इसके अंदर जो नरेटर होता है वो इमीडिएटली अपने एक्शंस के साथ आपके सामने आ जाता है और वो बताता है कि आई एम अ हीरो एंड आई एम गोइंग ऑन ऑन दिस इवेंट या मैं इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर रहा हूँ डेफिनेटली जब फर्स्ट पर्सन के साथ कहानी लिखी जाती है तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है जो उसका मॉरल स्टैंस होता है या जो उसका आइडियाज़ होता है वो पढ़ने वाले पे इन्फ्लुएंस करता है uh, जो सेकंड पर्सन के साथ कहानियाँ होती हैं वो बहुत कम कहानियाँ लिखी गई होती हैं जैसे बहुत छोटे बच्चों की कहानियाँ जिसके अंदर आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि हम पूछें कि तुम कहाँ से आए uh, तुम क्या स्पाइडर हो uh, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे तो इस तरीके से कहानी शुरू होती है जो कि बहुत ज़्यादा कोई कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है स्टोरीज़ के अंदर हमें नहीं मिलता इट्स अ ट्रिकी वे टू राइट डाउन स्टोरीज इन थर्ड पर्सन के अंदर ये कॉमन तरीन कहानियाँ जिसके अंदर जो राइटर होता है नरेटर होता है वो किसी की कहानी को बयान कर रहा होता है कि ये इंसिडेंट्स उस शख्स के साथ कैसे हुए और उस थर्ड पर्सन ने उनको कैसे फॉलोअप किया जब इन कहानियों को ये नरेटर बयान कर रहे होते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कई दफ़ा देखने की कि क्या आ, राइटर उन चीज़ों को भी बयान कर रहा है जो हीरो थर्ड पर्सन ख़ुद नहीं जानता सो so, उस टर्म को हम क्या कहते हैं ऑमनीसेंट की टर्म हम यूज़ करते हैं उस थर्ड पर्सन के अंदर Uh, जो थर्ड पर्सन की स्टोरीज होती हैं uh, उनका अगला इंपॉर्टेंट करेक्टर ये होता है कि वो डिस्प्ले करती हैं वैराटी ऑफ ऑप्शन रीडर के सामने अब ज़ाहिर कहानी के अंदर एक करैक्टर तो मौजूद नहीं होते चार पांच करैक्टर्स भी हो सकते हैं दो तीन करैक्टर्स भी हो सकते हैं तो वो ये बताते हैं कि मुख्तलिफ़ करटर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वह अमूमा उनको बताने का तरीक़ेकारी होता है कि वो अलग अलग क्रैक्टर्स uh, जो हैं इंट्रोड्यूस होते हैं अलग अलग करैक्टर्स जो हैं वो अपना प्लाट uh, या अपने इवेंट में उनका रोल होता है Uh, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अल्टर कर दिया जाए करेक्टर्स का तो पूरी कहानी बदल जाती है पूरी कहानी का प्लॉट चेंज हो जाता है तो इसीलिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है किसी भी कहानी के करैक्टर्स को समझने के लिए उस कहानी को पढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है